She is just 22 and walking in a stooped posture and tilting towards the right side because she has pain on left side. Aye. And she is walking slowly. She is not confident looking down because patient ko jo pain hai uski wajah se wo normal nahi chal pa rahe hain. तो पेन अभी है इस एरिया में एंड गोइंग डाउन. अगर आप और भी ज़्यादा चलते हैं तो इट गोज राइट अप टू योर एंकल. नमनेस भी लगता है कभी? टिंगलिंग होता है. मैक्सिमम डिस्टेंस कितना वॉक कर पाते हैं? 1000 steps. उसके बाद यू हैव टू सिट डाउन. मैं फिजियोथेरेपी के लिए जब जाती थी तो वो 1000 steps हो जाते हैं. हाँ बट वो होता था कि पहुँचते मेरे को बैठने. और ये पिछले 1.5 months से चल रहा है एंड यू आर टेकिंग पेन किलर्स एवरी डे? देखो मैं ये टच कर रहा हूँ. सेंसेशंस आर सेम बोथ द साइड्स. पुल योर टोज अप, प्रेस डाउन. ओके, इस लेग को हम लिफ्ट कर रहे हैं. पेन ऑन दिस साइड. हाँ जी. ठीक है, अगर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो एस एल आर इज अराउंड 30 degrees ऑन बोथ द साइड्स. कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है. बैठ जाओ आराम से, लेग्स डाउन, आराम से बैठिए. बी कॉम. सो हमारे साथ हैं ओस तारा. नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और इनके फादर राजेश जी बताएंगे कि इनका नाम हमने ओस क्यों रखा है. जी ये अर्ली मॉर्निंग बर्थ हुआ था इसका. जी जी जी. एंड हम लोग सोच रहे थे कि ड्यू ड्रॉप्स जो है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, तो इसलिए इसका नाम ओस रखा और यूनिक नाम है. मतलब ये ऐसा नाम है, मुझे लगता किसी और का होगा भी नहीं. कॉम्बिनेशन ओस तारा. yes. बहुत अच्छा नाम है. एंड इन्होंने बड़े इनोसेंट क्वेश्चन मुझसे सुबह पूछे थे तो आई वुड लाइक हर टू आस्क देम अगेन कि जब हम सर्जरी करेंगे तो आपने कुछ पूछा. प्लीज. सर्जरी करेंगे पेन तो नहीं होगी? पेन नहीं होगा बिल्कुल. एनेस्थीसिया सर हो जाएगा मेरे को? बिल्कुल एनेस्थीसिया देंगे आप. एंड सर्जरी के बाद पेन होगी? सर्जरी के बाद आपका जो ये पेन है ये चला जाएगा. थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा ऑपरेटिव साइट पे जस्ट फॉर 24 आवर्स. आफ्टर दैट थोड़ा सा सोरनेस रहेगा. नेचुरली इंजेक्शन भी लगाते हैं तो 24 आवर आपको पता लगता है. बेरेबल पेन. और मैं तो ये भी मतलब लगा था ना. हाँ जी हाँ जी. टेलिंग माय मॉम कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मेरे को ऐसी चीज लगे. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. और सुबह सुबह भी जब वो स्क्रबिंग वगैरह भी करना है तो आई थॉट कि बहुत माइनर सर्जरी है तो ये स्टेप्स में ओवरवेलमिंग लग रहे थे बहुत ज़्यादा. हाँ एक्चुअली हमारा जो प्रोटोकॉल है ना वो इतना स्ट्रिक्ट है कि इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को. कितना भी माइनर सर्जरी हो प्रोटोकॉल रिमेंस द सेम. और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी मुलाकात लोगों से डिजीज़ में होती है बट वी मेक श्योर कि जब आप यहाँ से वापस जाएँ यू आर डिजीज़ फ्री, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. इसी वजह से आपके पास आपका नाम बहुत सारे लोगों ने. एंड इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स देयर सो मेनी पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ यू. इट्स द होल टीम एक्चुअली, द सिस्टम जो यहाँ पे हमारे यहाँ है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी आप ओटी में भी जाएंगे तो यू सी ए सेपरेट टीम देयर. बहुत सारे लोग हैं हमारे, एनेस्थीसिया टीम है, हमारे स्टाफ हैं, सब लोग. सिर्फ जो कैनाल को जो डिस्क ने पुश किया हुआ है सिर्फ उसको हटाएंगे सो दैट योर नर्व्स आर फ्री. और कोई सवाल? ऑल द बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, तो द होल फैमिली इज विद अस एंड ओस इज वेटिंग फॉर द सर्जरी. इनका आज हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, L3-4 एंड L4-5. आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं? हमारे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए. एनी क्वेश्चंस दैट यू, एनी डाउट्स, एनीथिंग, एनी अप्रिहेंशंस? नहीं, हम लोग बहुत क्लियर माइंड से हैं. जी जी. अभी फुली सेटिस्फाइड है कि हम सही हाथों में बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं. तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे 100 में से 110 नंबर आए. ठीक है जी. उसका MRI हम देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे दिस इज L3-4, L3, L4, L5. सो दिस डिस्क इज L3-4 एंड दिस इज L4-5. दिस इज़ द स्पाइनल कैनाल एंड दिस डिस्क इज बल्जिंग आउट. पूरा हर्निएटेड है और ये डिस्क तो बिल्कुल ही इसने पूरा जो रास्ता है वो क्लोज कर दिया है. तो यहाँ पर हमारा जो स्टेनोसिस है, सेकेंडरी स्टेनोसिस को हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्क प्रोलैप्स. और यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज नॉर्मल डिस्क. ये नॉर्मल डिस्क है जो आप देख रहे हैं एंड दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल. लेफ्ट एंड राइट एवरीथिंग इज़ ओपन, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे हम जाते हैं L3-4 में तो यहाँ आप देखिए ये डिस्क बाहर आ गई है. इट्स ऑल ब्लैक नाउ एंड लेफ्ट साइड कैनाल इज ब्लॉक्ड.
अगर L4-5 पे जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी डिस्क है, देखिए काफ़ी बड़ी डिस्क है जो बिल्कुल सेंटर में है, बट इट इज़ मोर ऑन द लेफ्ट साइड, इसलिए पेशेंट को लेफ्ट साइड में सिम्टम्स हैं. सो वी विल टेक आउट द डिस्क, दिस पार्ट वी विल टेक आउट बट विदाउट डैमेजिंग द बोन एंड मसल्स. तो दिस इज़ ए बिग डिस्क और इस पेशेंट को इमीजिएट रिलीफ आएगा. जितनी बड़ी डिस्क होती है सिम्टम्स भी उतने सीवियर होते हैं लेकिन रिलीफ भी इमीजिएट होता है. सो वी आर प्लानिंग 2-level एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी. तो जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली यंग पेशेंट में होती है. यंग पेशेंट मीन्स 25 to 35 और ये वो टाइम है विच इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव. करियर, मैरिज और लाइफ में जो ग्रोथ होती है ना मैक्सिमम इसी फेज में होती है एंड स्लिप डिस्क हैपन्स इन दिस एज ग्रुप ओनली. उसके बाद तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं. और दूसरी चीज़, स्पाइन को लेकर बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे डर हैं. आपको भी था डर कि स्पाइन सर्जरी नहीं करानी, एंड स्पेशली अगर 2-level डिस्क है तो फिर बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं. आपने उस डर को क्रॉस किया, डर के और डर के आगे जीत है. तो एग्जैक्टली वही हुआ कि हमें फ़ायदा हुआ. एम आई राइट? आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सैटिस्फाइड. आप जैसे बहुत सारे यंग पेशेंट्स आर सफरिंग जस्ट बिकॉज उनको किसी ने बताया है कि स्पाइन सर्जरी नहीं करानी चाहिए. यू वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज टू दोज पीपल? Want to say कि मैंने तो कभी ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाया था, तो सर्जरी वॉज लाइक, मेरे को जब पता चला था कि ऐसा हो सकता है मैं तो रोने लग गई थी. बट फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन दी कि सर्जरी आराम से हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा. मेरे को इतने सिली डाउट्स थे, मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा था मेरा एनएससी से वर्क कर जाएगा. कौन से डॉक्टर थे ये? आप ही थे. अच्छा ठीक है. ये भी नहीं पता था कि एनएससी से वर्क कर जाएगा. एंड आई यू, मैं मम्मी से इतने सिली क्वेश्चंस पूछती थी कि अगर मैं ऑपरेशन के बीच में उड़ गई क्या होगा, मैं एकदम उड़ गई तो क्या होगा. बिल्कुल. बट डॉक्टर ने मुझे बहुत उस चीज़ का विश्वास दिया. एंड इट इज़ अ वंडर कि मैं ऑपरेशन से 1-2 दिन पहले इतना टिल्ट होकर चल रही थी और ऑपरेशन के 2-3 hours बाद ही मतलब मैं एकदम स्ट्रेट, ऑलमोस्ट स्ट्रेट चलने लग गई थी. तो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं एक्टिविटीज़ जो खड़े होकर नहीं कर पा रही थी वो मैं करने लग गई थी. एंड आई एम वेरी ग्लैड आपने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है. थैंक यू, थैंक यू. बहुत लोगों की हेल्प हो रही है उससे. एंड एंडोस्पाइन सर्जरी का मुझे बहुत लोगों को नहीं पता. बहुत लोग ओपन सर्जरी के लिए जाते हैं एंड मुझे भी आपके यूट्यूब से पता चला कि एंडोस्कोपिक भी हो जाती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ही इज़ वेरी गुड. आपके सारे क्वेश्चंस का भी वो टेक केयर करते हैं कि एक भी क्वेश्चन मन में ना रह जाए. देखो तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है. नहीं तारीफ सब, लेकिन पेरेंट्स के अंदर फिर भी एक डर रह जाता है. वो एक डर रह जाता है जब तक वो अपने बच्चे को एकदम ठीक नहीं देखते हैं. वो जब मैंने अपनी बेटी को एकदम स्ट्रेट देखा, मतलब मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे डॉक्टर साहब कि हाँ मेरा बच्चा जो कल एकदम टिल्ट था वो एकदम स्ट्रेट है. बेसिकली वट वी आर ट्राइंग इज कि जो एक हॉस्पिटल और डॉक्टर का जो एक डर रहता है ना मन में, जैसे आपने भी कहा कि अजीब सा लगता है यहाँ के, वी आर ट्राइंग टू चेंज देयर एक्सपीरियंस नॉट ओनली विद अवर सर्जिकल टेक्निक बट ऑल्सो कि ये जो हमारा मिलना है ना, इट शुड बी लाइक ए फैमिली कि भी आप आए हैं. बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि हॉस्पिटल में आए हैं. और मैंने देखा बहुत सारे हमारे पेशेंट, उनको ठीक होने के बाद अगर किसी और डिजीज़ का भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे ही पूछते हैं. तो दैट शुड बी द कॉन्फिडेंस. तो हम वो कर रहे हैं. सेकंड, ये जो एक डर है स्पाइन सर्जरी को लेके, इसको लेके, तो उसको हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से उस डर को निकाल रहे हैं कि इतनी बड़ी सर्जरी नहीं है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. क्योंकि कई बार मुझे बड़ा दुख होता है जब पेशेंट आते हैं, फूड ड्रॉप हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है उनका, बिकॉज समवन टोल्ड देम कि नहीं कराना है. तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट. क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव कर चुकी है और मैं चाहता हूँ सारे पेशेंट रोते हुए आते हैं लेकिन हंसते हुए जा रहे हैं. ठीक है जी. और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब आपके. बहुत नहीं, थैंकफुल हम हैं कि यू ट्रस्टेड अस. आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारी टीम के ऊपर ट्रस्ट किया एंड आई बिलीव कि हम इस ट्रस्ट को ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे विद योर गुड विशेस. और पूरी टीम और पूरा स्टाफ आपका बहुत अच्छा है. मतलब बहुत
बच्चा उनके साथ इतना कंफर्टेबल था। आप बताओ जी, आप ही बोलिए कुछ। वो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, मैं पिछले बोल चुका हूं, रिकॉर्ड किया था। वो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए, घर वालों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो सर्जरी तो होनी ही है, बट दिस एक्सपीरियंस शुड बी प्लेजेंट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्या होने वाला है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेशन का जो शेयरिंग है हर लेवल पे, आपको लगे कि अब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या होगा, एक घंटे बाद क्या होगा, तो एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। देखो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हम जब पहली बार आपसे मिलने आए थे, हाँ, दैट वाज अ ट्यूसडे, हाँ, और वो भी मैंने अपने ऊपर वो कॉर्पोरेट जो देखते हो उनको बोला था कि मेरे को आज अपॉइंटमेंट दिलाओ किसी तरह, तो यू आर इन द ओटी और आप ओटी से इसको ही मिलने के लिए आए। जी जी, आपने 15 मिनट जो इसके साथ लगाया ना, दैट इज वेयर शी गॉट कन्विंस्ड। और हमने, आपने कहा कि अगर करना है तो मैं कल एडमिट हो जाऊं, मैं परसों कर दूंगा, हमने तीनों ने आपस में एक दूसरे को आंख में देखा कि हां कर लो। जी जी, और जब हम अंदर घुसे थे ना, हम सर्जरी के लिए रेडी नहीं थे। जी जी, कोई भी नहीं होता, बट इट्स आवर जॉब टू टेल यू एग्जैक्टली, क्योंकि हमें तो साइंटिफिकली चलना है कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। नहीं हो सकता है, मना भी कर देते हैं। हमको भी बहुत लोगों ने बोला था, आप लोगों ने इतना अर्ली डिसीजन मतलब लिया कैसे, एक ही दिन में आप लोग डिसीजन ले रहे हो ये। हमको लगा कि जो कंडीशन हम इसकी देख रहे हैं ना, और उसकी जो खराबियां भी हमें पता चल रही हैं, कि बच्चे को कल को सुसु पॉटी भी निकल गया तो उसको नहीं पता चल पाएगा, ये वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, तो हमें लगा कि हमें एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमने उसी दिन डिसीजन लिया कि नहीं हमको करवाना ही है। तो आई थिंक हम इस चैनल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों को देते रहेंगे, एंड मेरा एक ही मैसेज है कि पैनिक करके डिसीजन नहीं लेना, समझ के डिसीजन ले, लॉजिकली चलना है, हमें समझना है, घबरा ना, तो सर्जरी से घबराओ ना डिजीज से घबराओ, समझो व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल। और डॉक्टर साहब, ये आपका चैनल जो है ना, हम जैसे पेरेंट्स के लिए मैं कह रही हूं बहुत अच्छा है, और उसने हमें बहुत हेल्प करी है ये डिसीजन लेने में, बहुत हेल्प करी है। अब आपकी बात सुन के, अब आपकी बातें सुन के और लोगों को भी रास्ता मिलेगा, एंड नॉट नेसेसरीली कि सब लोग यहीं सर्जरी कराने आए, हूएवर इज स्टेइंग इन व्हिचएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कम से कम जाके एक प्रॉपर बात करनी चाहिए, उसको लेके बैठे नहीं रहना चाहिए। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू।